सबसे पहले तो महाराष्ट्र के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जहां महाराज शिवाजी, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले और न जाने कितने महान महापुरुष हुए हैं। और बाबा साहब नहीं होते तो क्या होता, हम लोग यही सोच के सिहर जाते हैं। और महाराष्ट्र की धरती पर आके ज़्यादा हम लोग के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि आप लोग सबसे ज़्यादा सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से सचेत लोग हैं। और मुझे कई बार ताज्जुब होता है कि मतलब क्या होगा इस देश में, लगभग 90-95% लोग जो हैं, 90% वो किसान, जो जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, और जिसको बाबा साहब ने बाद में संविधान के तौर पे एससी एसटी ओबीसी कहा है, जिनको तमाम धर्म ग्रंथों में शूद्र और अछूत कहा गया। मैं तो आज एक और किताब पढ़ रहा था, तो उस किताब के मुताबिक राजपूत, कायस्थ और बैस भी शूद्र थे, उनको भी पढ़ने और बिजनेस का अधिकार नहीं था। जब अंग्रेज आते हैं तब वो कोर्ट में केस लड़ते हैं और तब उनको अधिकार मिलता है, ये कोई बहुत पहले की बात नहीं है। आप तो प्रोफेसर हैं, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, वो द प्राइड ऑफ कास्ट नाम है किताब का, मिट्टा साहब ने लिखा है कि जो जातियाँ मनुस्मृति में राजपूत, कायस्थ, वैश्य और जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, कुर्मी, कोयरी, इन सब जातियों को पढ़ने और संपत्ति का अधिकार नहीं है, तो ये लोग अंग्रेजों के समय केस लड़ते हैं, क्योंकि वो लोग उसके बाद जैसे बाबा साहब ने भी लड़ा अंग्रेजों से। तो ये मैं समझ नहीं पाता हूं कि मतलब लोग क्यों जी रहे हैं इस देश के, 90-95% लोग जिनके पास पढ़ाई नहीं है, घर नहीं है, संसाधन नहीं है, अस्पताल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, तो वो कर क्या रहे हैं? क्या वो नहीं सोचते हैं कि मैं मजदूर हूं, मेरा बच्चा भी मजदूर होगा? मैं तो मतलब मुझे ताज्जुब होता है। आप किसी को, किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो इतना तो सोचेंगे। मुझे वो फूले साहब की लाइन याद आती है कि विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिन हम शूद्र कहलाएं। तो मुझे लगता है कि एक सबसे बड़ी साजिश है एजुकेशन से जो दूर रखा गया, ताकि आपके सोचने समझने की शक्ति छीन ली जाए। लेकिन अब तो एजुकेशन भी आ गया, बहुत लोगों के पास है एजुकेशन। मैंने जो 4-5 साल में मैंने जो काम किया है पत्रकार के तौर पे, तो मुझे लगता है कि इस देश के 90-95% लोग मानसिक रूप से बहुत कमजोर हैं। वो मानसिक रूप से इतने कमजोर हैं, उनके जिहन में इतना डर बैठा हुआ है, जबकि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और उससे भी बड़ी समस्या है कि इस देश में 90% लोग बोलना नहीं जानते हैं। वो सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से क्या सही है क्या गलत है वो नहीं बोल रहे हैं, और उन पर लोग राज कर रहे हैं, और जो राज कर रहा है वो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके बच्चों के लिए कुछ दे नहीं रहा है। चाहे वो संविधान, अगर शिवाजी महाराज का इतना सम्मान क्यों है, क्योंकि वो प्रतिपालक थे, वो उन्होंने अपने से ज्यादा अपनी प्रजा के लिए सोचा। साहू जी महाराज, गायकवाड़ साहब बड़े अच्छे राजा भी हुए, वो अच्छे क्यों कहलाए, महान क्यों कहलाए, क्योंकि वो राजा तो थे लेकिन वो अपनी प्रजा के लिए ज्यादा। गुरु गोविंद सिंह साहब, ये जो तमाम राजा हुए अपने अपने वक्त में, लेकिन आजादी के बाद मैं देख रहा हूं कि 90-95% लोग न तो मीडिया में है, न जुडिशियरी में है, न कॉलेज में है, न यूनिवर्सिटी में है, न ब्यूरोक्रेसी में है, न बिजनेस में है,
एक ही कम्युनिटी के लोग सब जगह वर्चस्व बनाए हुए हैं, और वो जैसे चाहता है वैसे करता है। वो जब चाहता है आपका इलाज महंगा कर देता है, वो जब चाहता है आपकी पढ़ाई महंगी कर देती है, वो जब चाहता है आपका भोजन महंगा कर देता है, वो जब चाहता है आपका ट्रांसपोर्ट महंगा कर देता है। और वही लोग आपका नागपुर का मेट्रो हो या दिल्ली का मेट्रो हो, देश के तमाम कॉन्ट्रैक्ट हो, खनिज संपदा हो, जमीनें हो, बड़ी बड़ी होटल्स हो, फाइव स्टार रिजोर्ट्स हो, मिल हो, सबका मालिक बना बैठा है। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए कोई, अब शिवाजी महाराज तो आएंगे नहीं, उनके विचार हैं हमारे साथ कि अपने हक अधिकार के लिए, पहले तो राजा था तो तलवारें चलती थी, अब तो संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़नी होगी, संविधान है न, तो बिरसा मुंडा आएंगे, बिरसा मुंडा भी लड़े जिस समय जो दौर था, बाबा साहब भी नहीं आएंगे, मैं नाम भूल रहा हूं जो एक बीच में तस्वीर है, सर जो शिक्षा मंत्री थे संस्थापक, तो सर सैयद अहमद खान साहब भी नहीं आएंगे। दरअसल हम सब लोगों को उनके विचारों को लेकर आगे चलना होगा, और आपको सोचना पड़ेगा कि आप, मैं एकदम, मैं 2500 साल पहले जो बुद्ध ने कहा है कि धरती पर कोई भगवान नहीं है, आपकी मदद, भगवान मतलब परोपकार मानवता, कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा, लिख लीजिए। आपको आज के समय में विज्ञान अपनाना पड़ेगा, आप बीमार हैं तो अस्पताल जाना पड़ेगा या अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना पड़ेगा, आप अशिक्षित हैं तो स्कूल जाना पड़ेगा, आप गरीब हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी, बिजनेस करना पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसी कम्युनिटी है जो चाहती है कि इस देश के बाकी लोग लाचार और बेबस रहें, वो ड्राइवर बन जाए, सब्जी बेच, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, जो मलाईदार पद है, जो संसाधन वाली जगह है, वो उस जगह नहीं आने देना चाहते हैं, फिर कैसे भारत मजबूत बनेगा। मैं बहुत बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा, मैंने लिटरेचर नहीं पढ़ा है, बाबा साहब को भी नहीं पढ़ा है, मैं जो आजकल जो देख रहा हूं वो बात कर रहा हूं। संसाधन जो नौकरियां हैं, आप चपरासी, अब तो चपरासी भी नहीं बनने दे रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, कॉरपोरेट बिजनेस, इन सब जगहों पर सोचिए, इस देश में 5-6 ऐसी जगह हैं जिसको हम पावर सेंटर्स कहते हैं, जहां जाकर आपकी जिंदगी बदल सकती है। जैसे मेरे पिताजी किसान मजदूर, मेरी माँ भी मजदूर थी, मेरे पिताजी भी मजदूर, अब मैं भी मजदूरी करूंगा, मेरा बच्चा भी मजदूरी करेगा, और हम एक घर में पूरी जिंदगी गुजार देंगे, क्योंकि हमारे इस देश के लगभग 55-60% लोगों के पास जमीनें भी नहीं है, मतलब रहने लायक जमीन है, 30-35% तो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं जिनके पास जमीन ही नहीं है, घर ही नहीं है। तो सवाल है कि ये लड़ाई जो वकील साहब ने कहा संसाधन की है, और किसी की बात पर मत जाइए, न मेरी बात पर जाइए, न किसी की बात पर जाइए, आप सोचिए कि आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी, और वो जिंदगी बदलेगी पढ़ाई लिखाई से। और विडंबना ये है कि इस देश में एक बड़ा पैसे वाला तबका है जो संख्या में बहुत कम है, और वो उसने ऐसा सिस्टम बना रखा है जिसमें वो जाति के हिसाब से काम करता है, वो तय करता है कि कौन आएगा और कौन नहीं आएगा। आईआईटी में आपके बच्चे नहीं जा सकते हैं, आईआईएम में आपके बच्चे नहीं जा सकते हैं, मीडिया में आपके बच्चे नहीं जा सकते हैं, जुडिशियरी में, कॉलेज, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आप जज नहीं बन सकते हैं, ये सच है। लोअर जुडिशियरी में एग्जाम देने के बाद भी इंटरव्यू में आपके बच्चों का नंबर काट लिया जाता है, और ये माफ कीजिएगा, ये शेड्यूल कास्ट की त्रासदी नहीं है, ये मराठाओं के साथ हो रहा है। मराठा कितने सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, महाराष्ट्र तो मराठाओं का प्रदेश माना जाता है, मराठा शिवाजी महाराज के नाम पर राजनीति हो रही है, आज मराठा समाज के लोग कितने मीडिया में हैं, कितने जुडिशियरी में, कितने ब्यूरोक्रेसी में हैं,
कितने कैबिनेट सेक्रेटरी है, कितने जज हैं। उसी तरह से इस देश के 90% 95% लोगों का एकदम सिस्टम से बायकॉट है। और बाबा साहब का जब संविधान लागू हो गया, जब बराबर की बात हो गई, तो आज भी तरह तरह के कंडीशंस लगा के अपने ही देश के लोगों का। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, भारत एक, मैं तो खैर जाति प्रधान देश मानता हूं, भारत कृषि प्रधान देश नहीं है, जाति प्रधान देश है। अपने ही धर्म के लोगों का, अपने ही धर्म में जो जाति के रूप में ऊपर बैठा हुआ है, हर धर्म में जाति है, यहां कोई जात नीचे है कोई जात ऊपर, और जो ऊपर बैठा हुआ है वो नीचे वाले का शोषण कर रहा है। और मुझे लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने संविधान में यही कोशिश की है कि किसी का शोषण न हो और सबको बराबर का अधिकार मिले, मौका मिले। जो गड़बड़िया हुई सो हुई, अब कम से कम किसी का बच्चा IIT जा रहा है, IIM जा रहा है, मेडिकल में जा रहा है, तो उसके साथ भेदभाव ना हो, उसके अंगूठे ना काटे जाए, कोई किसी के साथ अत्याचार हो रहा है तो उसकी जाति देखकर फैसला ना हो। 1856-57 के समय अंग्रेजों ने एक कानून बनाया कि ब्राह्मण समाज को फांसी नहीं होगी। बाद में वो फिर अपील हुआ, फिर बाद में, और उस समय ये हुआ कि जो शूद्र और अछूत थे, ये व्यवस्था थी मनुस्मृति में, उनके पैरों में काठ की बेरियां पड़ेंगी। तो तमाम तरह की चीजें रही हैं, लेकिन मैं बाबा साहब का कृतज्ञ इसलिए हूं कि उन्होंने जो संविधान दिया है इस देश को, उसमें सबको बराबर का अधिकार है। और जिनका शोषण हुआ जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे, उनके लिए उन्होंने मौके दिए कि इनको मौका मिलना चाहिए। जैसे मेरे घर में कोई बच्चा अपंग हो जाएगा या उसको हम पैर तोड़ देंगे मार के, तो उसके लिए कोई व्यवस्था करेंगे? ये हर आदमी का कर्तव्य है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सोचना चाहिए और इस पर काम करना चाहिए। अगर आप किसी के भरोसे बैठे हैं, किसी भगवान के भरोसे, किसी किस्मत के भरोसे या किसी महापुरुष के भरोसे, तो ये होने वाला नहीं है। हाँ, आपके महापुरुषों का ये विचार जो है, उनकी कुर्बानी जो है, वो आपके साथ है कि भाई हम उस काम को करेंगे जो काम शिवाजी महाराज ने किया, अन्याय के खिलाफ बोले, लड़े, लोगों का कल्याण किया। बिरसा मुंडा लड़े अन्याय के खिलाफ, बाबा साहेब लड़े। और ये संवैधानिक युग है, संविधान का युग है, कलम का युग है, तो आप सबको तय करना पड़ेगा कि हमारा वोट और बाकी लोगों का वोट वहां जाए जिस पार्टी में या जिस नेता में सबको साथ लेकर चलने की सलाहियत हो, जो जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे या लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं करता हो। आपको ऐसी व्यवस्था चुननी पड़ेगी और भारत का संविधान यही कहता है, ऐसी व्यवस्था है। और ये खास जो बात है कि जो लोग, हम लोग एक घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए अस्पताल जाते हैं, तो मरीजों से ही तैसी हो जाते हैं। बगल में आपका कोई मरीज है तो आप उससे जान पहचान बातचीत होने लगती है। हमारा एक रिश्ता क्या है? तकलीफ का रिश्ता है। तो इस देश में 90-95% लोग जो तकलीफ में हैं, जिनके पास दवाई नहीं है, पढ़ाई नहीं है, अस्पताल नहीं है, नौकरी नहीं है, संसाधन नहीं है, जमीनें नहीं है, जो मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस, फिल्म, सिनेमा, स्पोर्ट्स, जिनकी हिस्सेदारी नहीं है, अब ये तो जानना आसान है कौन कहां क्या कर रहा है, उन सब लोगों को एकजुट होकर ऐसी सरकार बनानी पड़ेगी जो संविधान को माने और जो सबको अधिकार दे, बराबर का अधिकार दे, और जो कम से कम पढ़ाई, दवाई और सरकारी नौकरी, बिजनेस, इन सब चीजों का व्यवस्था करे। बाकी आप किसी और मुद्दे पर वोट कर रहे हैं तो आप कम से कम गरीब लोग तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप जाति के आधार पर वोट कर रहे हैं वो तो संभव नहीं है, क्योंकि जाति आधारित वोट में कोई ऐसी जाति नहीं है जो सरकार बना लेगी। तो आपको बाबा साहेब का जो रास्ता है, SC ST OBC या किसान जातियां जो हैं, धर्म के आधार पर तो आपको बिल्कुल कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि भारत में जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों में उसी धर्म के लोग अपने ही धर्म के लोगों का जाति के आधार पर शोषण करते हैं।
आप जिस भी धर्म में हो उसी धर्म का जाति के आधार पे जो ऊपर बैठा हुआ आदमी है वो अपने नीचे वाले का जाति के आधार पे शोषण कर रहा है, कोई दूसरा नहीं कर रहा है, तो वो भी मसला खत्म होता है, जाति का मसला खत्म होता है। तो बाबा साहब का जो संवैधानिक अप्रोच है, तो मुझे लगता है कि इस देश में जो शोषित वंचित पीड़ित है उसी को एससी एसटी ओबीसी कहा गया है, जो किसान है उन सबको मिलकर अपने बच्चों के लिए अस्पताल, शिक्षा, हायर एजुकेशन, इन सबका अगर उनको इंतजाम करना है, वो चाहते हैं कि गरीबी से निकले, तो आप लोगों को वोट करना होगा। और वोट ही नहीं करना होगा, जैसे अपनी जिंदगी का ज्यादा समय इस सामाजिक चेतना को फैलाने में लगाना होगा, नहीं तो मैं लिख के दे सकता हूं कि आपका उद्धार करने वाला कोई नहीं आएगा। ये संविधान है, अगर आप सचेत जागरूक नहीं हुए तो हो सकता है कि संविधान भी चला जाए। तो मेरी पूरी लड़ाई एक इज्जतदार, सम्मानजनक, डिग्निटीफुल जीवन की है, और वो तभी आएगा जब हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से मजबूत होंगे, बराबर होंगे। शुक्रिया।